गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक करेंगे एरर डिटेक्शन करेक्शन। ये एरर डिटेक्शन करेक्शन डाटा कम्युनिकेशन में भी टॉपिक आता है, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड जब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो उसके अंदर भी हम ये पढ़ते हैं। तो जनरली डाटा एरर डिटेक्शन करेक्शन, जहाँ भी हम बाइनरी डाटा को डील करते हैं तो वहाँ हर जगह हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, वहाँ हर जगह ये टॉपिक कवर करते हैं। तो बेसिकली जब भी हम कोई डिजिटल डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो डिजिटल डाटा जो होता है वो जीरो और वन की फॉर्म में होता है, या मैं यदि सिग्नल लेवल की बात करूं तो 0 to 1.5 वोल्ट का जो सिग्नल होता है उसको लो लेवल सिग्नल बोलते हैं, और 3.5 से 5 वोल्ट तक का जो सिग्नल होता है उसको हाई लेवल सिग्नल बोलते हैं। और जनरली यदि मैं सिंपल लॉजिक की बात करूं तो हाई लेवल को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और लो लेवल को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। जब एक लो लेवल का सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं हम और वहाँ कोई नॉइस आ जाता है, वो नॉइस का लेवल इतना, नॉइस क्या होगा, नॉइस जो होगा वो कौन सा नॉइस की बात करते हैं, नॉइस इज़ एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। नॉइस जो होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल होता है, ठीक है। तो नॉइस की डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन क्या होती है कि एनी सिग्नल अदर देन योर रिक्वायर्ड सिग्नल, आपके सिग्नल के अलावा जो भी सिग्नल हैं वो सब नॉइस है। तो कोई भी नॉइस होगा वो आपके सिग्नल को इंटरफेयर करेगा, आपके सिग्नल जो आपने जीरो ट्रांसमिट यदि किया है, जीरो का मतलब 0 to 1.5 वोल्ट का जो सिग्नल है उसके साथ वो इंटरफेयर करके उसका लेवल इंक्रीज कर सकता है। यदि वो लेवल इंक्रीज होके 1.5 से क्रॉस करके 3.5 के बीच में चला जाए तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि ये सिग्नल एक वैलिड सिग्नल नहीं है। लेकिन यदि वो उसको क्रॉस करके 3.5 को भी क्रॉस करके आगे चला जाता है, 3.5 को क्रॉस करके 3.6, 3.7 कहीं इस लेवल में चला जाता है तो वो जो पहले लो लेवल सिग्नल था वो अब हाई लेवल सिग्नल बन गया, और हाई लेवल रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ 1 को, यदि हमने 0 ट्रांसमिट किया तो वहाँ 1 रिसीव होगा, कहने का मतलब ये है। तो ये सारा जो है वो मैं एक अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के एक लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ, वहाँ हम उसका मैं लिंक दे दूँगा, वो चीज़ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ में ही यहाँ हैमिंग कोड भी मैं डिस्कस नहीं करूँगा, हैमिंग कोड्स जो होते हैं एरर करेक्शन के लिए कोड्स होते हैं उस, वो भी मैं सेम लेक्चर के अंदर कवर कर चुका हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, तो मैं उसका आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा, यहाँ नीचे देख लेना तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं हैमिंग कोड्स। तो हम यहाँ एरर डिटेक्शन की बात करें, करेक्शन के लिए मैं हैमिंग कोड का लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो जब आप एरर डिटेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जनरली जो कोड्स, जो दो टाइप के कोड्स यूज़ होते हैं, डिटेक्शन और करेक्शन की बात तो आगे आती है, तो दो टाइप के कोड्स यूज़ होते हैं, ब्लॉक कोड्स एंड कन्वोल्यूशन कोड्स। यहाँ आपके जो सिलेबस का स्कोप है वो सिर्फ ब्लॉक कोड्स तक है, तो हम ब्लॉक कोड्स पढ़ेंगे, ब्लॉक कोड्स से आगे कन्वोल्यूशन कोड हम यहाँ कवर नहीं करेंगे। तो इसमें देखिए, अब टाइप्स ऑफ एरर कौन से हैं, क्या एरर्स होते हैं, उनकी डिटेक्शन कैसे होती है और करेक्शन कैसे होती है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट क्या है, नेटवर्क जो आपका है वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के तक सिग्नल कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ पहुंचाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, कोई चीज़ आइडियल तो है ही नहीं, नॉइस तो है वहाँ पर, तो ऐसा नहीं हो पाता, तो वहाँ कुछ ना कुछ एरर आ जाती है। डेटा कैन बी करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, फॉर रिलायबल कम्युनिकेशन एरर्स मस्ट बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। एरर आ गई यदि तो वो डिटेक्ट भी होनी चाहिए और उसको करेक्ट भी होनी चाहिए, आपका सिस्टम इतना कैपेबल होना चाहिए कि वो डिटेक्ट करके करेक्ट कर ले। जब कोई सिग्नल आपको रिसीव हो रहा है तो यू नेवर नो
व्हाट सिग्नल वाज सेंट, क्या सिग्नल भेजा गया था, क्या क्या मैसेज भेजा गया था, आपको ये कभी पता ही नहीं होगा। मैंने एक स्टूडेंट से के पास से के थ्रू एक मैसेज भेजा दूसरे टीचर को कि नेक्स्ट क्लास मैं लूँगा, और उस स्टूडेंट ने वहाँ जाके ये बता दिया कि नेक्स्ट क्लास सर नहीं लेंगे। तो जो टीचर बी है उसको कभी नहीं पता लगेगा कि टीचर ए ने क्या मैसेज भेजा था, वो जो मैसेज उनको रिसीव हुआ उसी को ओरिजिनल मैसेज समझ लेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी आपस में कभी बात तो होगी नहीं, यदि बात कभी होगी तो भी मैसेंजर के थ्रू ही होगी। तो एक ए है यहाँ, सपोज करो मैं यहाँ ले रहा हूँ, एक ए है और एक बी है, ये ए और बी है। ए और बी के बीच में कम्युनिकेशन क्या है? किसी कम्युनिकेशन मीडिया के थ्रू है, और जो कम्युनिकेशन मीडिया है दैट इज़ प्रोन टू एरर, उसमें एरर तो आ सकती है, वल्नरेबल है, वो एरर उसके अंदर हो सकती है। तो जब आपकी एरर आ सकती है तो आप जब भी कम्युनिकेशन करेंगे, ए ने बी के पास कोई मैसेज भेजा तो बी उसी मैसेज को मानेगा जो उसके पास रिसीव हुआ, उसको नहीं पता लगेगा कि ए ने क्या मैसेज भेजा। तो क्या वे हैं, क्या तरीके हैं जिस ये पता लग सके कि जो ए ने बी को मैसेज भेजा था क्या कुछ उसमें कोई एरर तो नहीं आ गई, और यदि कोई एरर आ गई तो उसको कैसे करेक्ट किया जाए। एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन आर इम्प्लीमेंटेड आइदर एट द डाटा लिंक लेयर और द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। डाटा लिंक लेयर या ट्रांसपोर्ट लेयर पर ये डिटेक्शन एंड करेक्शन का काम होता है। टाइप्स ऑफ एरर, सिंगल बिट एरर, मल्टीपल बिट एरर और ब्रस्ट एरर। जनरली इन दोनों को हम एक साथ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल बिट, मल्टीपल बिट और ब्रस्ट एरर। सिंगल बिट, एक आप स्ट्रीम भेज रहे हो उसके अंदर सिंगल ही एरर आ गई, एक ही एरर आई है, तो सिंगल बिट एरर है। मल्टीपल बिट एरर तब होती है जब एक से ज़्यादा एरर आ जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है वो कंटिन्यूसली आए। ब्रस्ट एरर में वो कंटिन्यूसली भी आ सकती हैं। हाँ, यहाँ मल्टीपल बिट एरर के अंदर क्या है कि वो कंटिन्यूसली नहीं होंगी, डिफरेंट प्लेसेस पर होंगी, और ब्रस्ट एरर के अंदर वो मोस्ट प्रोबेबली एक जगह पर होंगी, बाकी डिफरेंट प्लेसेस पर भी होंगी, ठीक है। ब्रस्ट एरर में ज़्यादा एरर्स होती है। ब्रस्ट का मतलब विस्फोट, एकदम से ब्रस्ट हो गया। सिंगल बिट एरर यहाँ शो की गई है, यहाँ देखिए आप ये एक यहाँ इस बिट के अंदर आप देख रहे होंगे कि एरर आ गई, ये डाटा सेंड हुआ था, ये रिसीव हुआ है, और यहाँ एरर आपको दिख रही है, सिंगल बिट में एरर आ गई। और क्यों आती है एरर, ये मैं बता चुका हूँ, ये आती है नॉइज सिग्नल के कारण। सिंगल बिट एरर आर लीस्ट लाइकली, बहुत कम होती हैं। क्यों होती हैं बहुत कम, ये मैं बता देता हूँ, बहुत कम चांस है इनके होने का। क्यों होता है कम? 1 Mbps की स्पीड पर आप डाटा भेज रहे हैं सपोज करो, तो हर एक बिट को कितना टाइम लगेगा, हर एक बिट के लिए कितना टाइम है? 1 microsecond एक बिट के लिए टाइम है, 1 microsecond एक बिट के लिए टाइम है। सिंगल बिट एरर होने के लिए यदि आपका नॉइस 1 microsecond या उससे कम टाइम के लिए आता है तो इसका मतलब सिंगल बिट एरर आएगी, जो कि बहुत रेयर होता है कि इतने कम ड्यूरेशन का नॉइस आए, 1 microsecond से कम टाइम का या 1 microsecond तक का नॉइस आए, इतनी ड्यूरेशन तक का नॉइस आए, देर आर वेरी रेयर चांसेस। तो क्या होगा, ब्रस्ट एरर आएगा। ब्रस्ट एरर का क्या होता है, यहाँ जब भी कोई सिग्नल आया, जब भी कोई नॉइस आया, देखिए पहले मैं आगे बता देता हूँ आपको, हाँ देखिए यहाँ देखो,
जब भी कोई नॉइस आया 1 kbps की स्पीड से आप कर रहे हो और क्या है, और जो नॉइस का जो टाइम ड्यूरेशन हुआ वो सपोज करो 1/10 मींस 10 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड का नॉइस आ गया, और 1 kbps का मतलब एक बिट जो है वो 1 मिली सेकेंड की है, एक बिट 1 मिली सेकेंड की है। अब क्या समझोगे, एक बिट 1 मिली सेकेंड की और 10 मिली सेकेंड का नॉइस है, तो इसका मतलब आपकी जो बिट्स हैं स्ट्रीम में से वो 10 बिट्स करप्ट होंगी, 10 बिट्स आपकी करप्ट हो जाएंगी। और अब देखिए, यदि 1 mbps की स्पीड से डाटा लोगे तो 1 microsecond या 1/1000 millisecond टाइम होगा एक बिट का। और सेम लेंथ का यदि नॉइस आता है, इसी लेंथ का यदि नॉइस आता है, 10 मिलीसेकंड का नॉइस आएगा, तो वो 10,000 bits को करप्ट कर देगा, 10,000 bits को करप्ट कर देगा यदि इस साइज का, इस ड्यूरेशन का नॉइस आ गया, तो 1 सेकंड के 100वें हिस्से का नॉइस आया ये, और उसने 10,000 bits करप्ट कर दी उसने। तो बहुत रेयर चांस है कि सिंगल बिट का कोई नॉइस आए, तो ब्रस्ट एरर के अंदर क्या होगा, जब भी नॉइस आएगा तो क्या करेगा, इनको करप्ट कर देगा, ठीक है। ये देखिए, ये यहाँ करप्ट हुई और ये यहाँ करप्ट हो गई। ये ऐसा जो है इसको हम मल्टीपल बिट्स बोलेंगे बजाय कि सिंगल बिट, सॉरी बजाय कि इसको ब्रस्ट एरर बोलने के बजाय मल्टीपल बिट्स। कहीं कहीं सिंगल आ रहा है, कहीं कहीं मल्टीपल में आ रहे हैं इकट्ठे, तो वहाँ हम ब्रस्ट एरर प्रेफरेबली उसको बोलना प्रेफर करेंगे। द टर्म ब्रस्ट एरर मीन्स दैट 2 or more bits इन द डाटा यूनिट हैव चेंज्ड 1 to 0 or 0 to 1। ब्रस्ट एरर डज नॉट नेसेसरी मीन दैट द एरर अकर इन कंसेक्यूटिव बिट्स। द लेंथ ऑफ ब्रस्ट इज मेजर्ड फ्रॉम फर्स्ट करप्टेड बिट टू द लास्ट करप्टेड बिट। सम बिट्स इन बिटवीन मे नॉट हैव करप्टेड। देखिए, जब हम मल्टीपल एरर का, मैंने आपको बताया था कि ये मल्टीपल बिट और ब्रस्ट को हम समटाइम्स ब्रस्ट एरर इनको इकट्ठा ही कंसिडर कर लेते हैं, तो जब हम इनको इकट्ठा ही कंसिडर करेंगे तो ये चीज़ ट्रू है जो यहाँ बताई गई है, ये जो बात यहाँ बताई गई है ये ट्रू है फिर। और यदि मैं मल्टीपल बिट को अलग लूँ, ब्रस्ट को अलग लूँ, तो ब्रस्ट के अंदर हम कंसेक्यूटिव कंसिडर करते हैं फिर। ब्रस्ट एरर इज मोस्ट लाइकली टू हैपन इन सीरियल ट्रांसमिशन। ब्रस्ट एरर जो होगा सीरियल ट्रांसमिशन में होता है, ठीक है। और जो सिंगल बिट एरर जो होगा वो होता है पैरेलल ट्रांसमिशन में। नंबर ऑफ बिट्स अफेक्टेड डिपेंड्स ऑन द डेटा रेट एंड द ड्यूरेशन ऑफ नॉइस। किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, कितनी देर के लिए नॉइस रहा और डेटा रेट क्या है। जितना हाई डेटा रेट होगा तो उतना ही करप्ट बिट्स ज़्यादा होंगी, उतनी ही ज़्यादा बिट्स करप्ट होंगी। अब एरर आ गई तो डिटेक्ट कैसे होगी, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, मैंने आपको ये बताया था 0 to 1.5 तक वोल्टेज तक का लेवल जो है वो लो के लिए है, और 3.5 से 5 तक का लेवल जो है वो हाई के लिए है। यदि कोई नॉइस आया, वो सिग्नल 1.5 से 3.5 के बीच में आ गया वोल्टेज लेवल, तो वो उसमें एरर डिटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही डिटेक्ट हो जाएगा। उसके लिए आपको ये एल्गोरिदम चलाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सिग्नल जो 1.5 से 3.5 तक का है वो सिग्नल आइडेंटिफाई ही नहीं होगा रिसीविंग एंड पे, ठीक है।
एरर डिटेक्शन मीन्स टू डिसाइड वेदर द रिसीव्ड डेटा इज करप्ट और नॉट विदाउट हैविंग ए कॉपी ऑफ द ओरिजिनल मैसेज. ओरिजिनल मैसेज तो आप तक कभी पहुंचेगा ही नहीं, आपके पास जो आएगा वो करप्ट होके आएगा या ओरिजिनल आएगा तो उस फॉर्म में आएगा जब उसमें कोई नॉइस आया ही नहीं. उस फॉर्म में आ सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कभी नहीं पहुंचेगा. यदि आपके पास ओरिजिनल मैसेज आ भी गया तो यू नेवर नो दिस इज ओरिजिनल और नो नॉट ओरिजिनल और करप्टेड. जब आप उसको चेक कर रहे हैं तब आपको ये नहीं पता कि वो ओरिजिनल है या करप्ट हो चुका है. तो इसलिए मैंने आपको ये वर्ड, ये सेंटेंस बोला था, यू विल नेवर नो द ओरिजिनल मैसेज. क्यों नहीं पता होगा? क्योंकि जब आपके पास सिग्नल रिसीव हो रहा है तब तो आप, जब आप उसको टेस्ट करने लगे हो तब तो आपको ये पता ही नहीं कि उसमें एरर आ चुकी है नहीं आ चुकी. वो तो टेस्ट करने के बाद पता लगेगा आपको, डिटेक्ट करने के बाद पता लगेगा कि वो करप्टेड डाटा है या ओरिजिनल डाटा है, वो आपको तभी पता लगेगा. एरर डिटेक्शन यूजेस द कंसेप्ट ऑफ रिडंडेंसी विच मीन्स एडिंग एक्स्ट्रा बिट्स फॉर डिटेक्टिंग एरर्स एट द डेस्टिनेशन. रिडंडेंसी क्या होता है? रिडंडेंसी का लिटरेरी मीनिंग देखूँ तो वो एक ऐसी चीज़ जो रिक्वायर्ड नहीं है, जो ज़रूरत की नहीं है, ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा बिट्स डाल दी जाती है जिसका मैसेज के अंदर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता. दोज आर नॉट द पार्ट ऑफ द मैसेज बट दोज आर यूज्ड टू डिटेक्ट द एरर इन द मैसेज. जो एरर को डिटेक्ट करने के लिए यूज होती हैं, जिनको जो दोज आर नॉट द पार्ट ऑफ द मैसेज, वो मैसेज का पार्ट नहीं होती. रिडंडेंसी का मीनिंग क्या है? यहाँ एक डेटा था, ये डेटा था, और ये क्या है? रिडंडेंट बिट्स हैं, ठीक है, और इन सब को मिला के ये कोड बन गया. ये यहाँ क्या था? डेटा, ये रिडंडेंसी बिट और ये कोड बन गया. ये रिडंडेंसी बिट का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी लगा दो. रिडंडेंसी लगानी है मतलब, रिडंडेंट का मतलब मैंने ऐसा बताया जो मैसेज का पार्ट नहीं होता, बट दोज आर हेल्पफुल टू डिटेक्ट द एरर. इट डजेंट मीन आप कुछ भी डाल दो यहाँ, 101011 कुछ भी डाल दो, ऐसा जरूरी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. तो क्या करना पड़ेगा? देर आर मेथड्स टू कैलकुलेट और टू आइडेंटिफाई वट शुड बी द रिडंडेंट बिट्स. रिडंडेंट बिट क्या होनी चाहिए उसके लिए एक मेथड है. इसको रिडंडेंट बिट बोल रहे हैं, पहले आपने इसको पैरिटी भी सुना होगा, तो पैरिटी भी हो सकती है, ये पैरिटी भी बोल सकते हो आप इनको, मल्टीपल पैरिटी बिट्स यहाँ हम यूज करेंगे. जब रिसीविंग एंड के ऊपर आएंगे तो सबसे पहले चेक किया जाएगा इनको. चेक जब करेंगे तो या तो आपको एरर मिलेगी, एरर मिली तो आप रिजेक्ट कर दोगे उसको, और एरर नहीं मिली तो आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे रिसीवर एंड पे. ये देखिए, जब भी आप एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन की बात करते हैं तो देर आर सम प्रोटोकॉल्स, देर आर सम सेट ऑफ रूल्स विच आर टू बी फॉलोड बाय द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. ट्रांसमीटर और रिसीवर को सेम रूल फॉलो करने पड़ेंगे. ऐसा नहीं है ट्रांसमीटर अलग रूल फॉलो कर रहा है और रिसीवर अलग रूल फॉलो कर रहा है. ट्रांसमीटर मीन्स आपका सेंडर की बात कर रहा हूँ, मैं सेंडर की बात कर रहा हूँ कि सेंडर डिफरेंट रूल फॉलो कर रहा है और रिसीवर डिफरेंट रूल फॉलो कर रहा है, तो आपका एरर फाइंड आउट हो ही नहीं सकती. और हो सकता है आपका ओरिजिनल मैसेज आ रहा हो और यदि रूल्स को अलग अलग फॉलो कर रहे हो तो वो हो सकता है कि आपका ओरिजिनल मैसेज आ रहा फिर भी कह दे कि एरर. तो सेम रूल्स आर टू बी फॉलोड. दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट. कौन कौन से डिटेक्शन मेथड्स होंगे? VRC वर्टिकल रिडंडेंसी चेक, LRC लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक, CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक और चेकसम. इन चारों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. अब दीज आर द फोर टाइप्स. हर एक के अपने एडवांटेज हैं, हर एक के अपने लिमिटेशन हैं.
सबसे पहले है वीआरसी, वर्टिकल रिडंडेंसी चेक। एक डेटा है, डेटा के अंदर 7 बिट का डेटा है और उसके अंदर हमने सिंगल बिट लगानी है पैरिटी की, सिंगल बिट। यदि इवन पैरिटी भी यूज़ कर सकते हो, ओड पैरिटी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, आप कोई भी पैरिटी यूज़ कर सकते हैं। इवन पैरिटी का मीनिंग क्या है, इवन पैरिटी यहाँ जो वर्ड आया, क्या है इसका मीनिंग, कि नंबर ऑफ वंस आपको देखने हैं डेटा में कितने हैं। नंबर ऑफ वंस ऑड मिले तो आपको इवन बनाना है, तो इवन बनाने के लिए वन लगाया जाएगा। नंबर ऑफ वंस यदि आपको इवन ऑड मिले हैं अभी तो वन और लगा देंगे, यदि ऑलरेडी इवन होते तो जीरो। तो याद रखना, चाहे आप इवन पैरिटी की बात कर रहे हो या ओड पैरिटी की बात कर रहे हैं, जो चाहिए यदि वो मिल रहा है आपको, जो चाहिए, यदि यहाँ इवन पैरिटी चेक का मतलब आपको इवन चाहिए, तो यदि जो चाहिए वो मिल रहा है, वो नंबर ऑफ वंस का काउंट वो मिल रहा है, तो आप जीरो लगा दो। जो चाहिए यदि वो नहीं मिल रहा तो वन लगा दो। इवन और ओड का के रूल्स को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये देखो कि जो चाहिए यदि वो मिल रहा है, वो ऑलरेडी है, तो जीरो लगा दो पैरिटी बिट। जो चाहिए वो नहीं मिल रहा तो वन लगा दो। इवन पैरिटी की बात करते हैं सेम रूल पे, इवन चाहिए और इवन नहीं है, नंबर ऑफ वंस की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ वंस देखने हैं, जीरो को नहीं देखना, नंबर ऑफ वंस इवन नहीं है, नहीं है तो वन लगा दो, और यदि वन नंबर ऑफ वंस इवन मिल जाते तो वन नहीं लगाना, फिर जीरो लगती है। क्लियर हो गया होगा शायद। इवन और ओड यहाँ वर्ड जो यूज हुए हैं वो वंस को काउंट करना है कि वन नंबर ऑफ वंस कितने हैं डेटा के अंदर, नंबर ऑफ वंस कितने हैं यहाँ, ये देखना है आपने। अब देखिए यहाँ आपने क्या किया कि 7 बिट का डाटा था, आपने देखा, आपने इवन पैरिटी का प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल ही एक तरीके से, हम इवन पैरिटी रिसीविंग एंड पे ही पता है कि इवन पैरिटी का कंसेप्ट यूज़ किया है, और ट्रांसमिशन एंड पे भी पता है, और यदि ओड पैरिटी यूज़ करते तो यहाँ भी ओड पैरिटी का कंसेप्ट यूज़ करते, यहाँ भी ओड पैरिटी का कंसेप्ट यूज़ करते, ठीक है। ओड पैरिटी के अंदर जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वंस हैं वो ओड होने चाहिए, ठीक है, तो फिर कंसेप्ट वही यूज़ होगा। अभी हमने इवन पैरिटी यूज़ किया है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज़ को। तो इवन पैरिटी चाहिए थी, इवन नहीं था, आपने वन लगा दिया, ये वन यहाँ साथ जा चल के जाएगा, और यहाँ ये वन का लोकेशन भी डिफाइंड होती है, ये शुरू में लगेगा या लास्ट में लगेगा या बीच में कहीं लगेगा, ये लोकेशन भी डिफाइंड होती है। रिसीविंग एंड के ऊपर जाके चेक किया जाएगा क्या नंबर ऑफ वंस इवन है क्या, यदि इवन है तो इसका मतलब कोई एरर नहीं आई, यदि इवन नहीं है ऑड हो गए इसका मतलब एरर आ गई। इसमें कुछ लिमिटेशन भी है, मैं बताऊंगा, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा, बताता हूं अभी। अब देखिए, सपोज करो यहां एरर आ गई दो, एक तो ये जीरो में कन्वर्ट हो गया और एक ये वन में कन्वर्ट हो गया, तो आपका डाटा क्या पहुंचेगा, 1100 0 0 0 1 0 1, जो डाटा 1110001 पहुंचना चाहिए था वो पहुंचा 1100 0 0 1 0 1। अब देखिए रिसीविंग एंड के ऊपर जब ये डाटा पहुंचेगा तो रिसीवर को पता ही नहीं लगा एरर आ चुकी है, रिसीवर को पता ही नहीं लगेगा कि एरर आ चुकी है। क्यों नहीं पता लगेगा, क्योंकि नंबर ऑफ वंस तो यहां भी इवन है, नंबर ऑफ वन ये सिर्फ यही चेक करेगा कि नंबर ऑफ वन इवन है या ऑड है, सिर्फ इतना ही चेक करेगा ये। इसको नंबर ऑफ ट्रांसमिशन एंड के ऊपर और इनका ये पहले ही एग्रीमेंट हो चुका है कि नंबर ऑफ वन जो आपको इवन मिलेंगे, और ये भी सिर्फ यही चेक करेगा कि नंबर ऑफ वन इवन है क्या, और इसको इवन मिल गए तो ये कहेगा एरर नहीं आई, लेकिन ये तो गलत है, एरर आ चुकी है, समझ गए। तो इसकी लिमिटेशन क्या हुई, इसकी लिमिटेशन ये है कि यदि इसमें
सिंगल बिट की एरर आ गई तो ये डिटेक्ट कर लेगा, या मल्टीपल एरर आ गई तो ये इवन नंबर ऑफ एरर्स आ गई तो ये डिटेक्ट नहीं करेगा, ऑड नंबर ऑफ एरर्स आ गई तो डिटेक्ट कर लेगा। सपोज करो एक एरर और आ गई, सपोज करो ये भी वन में कन्वर्ट हो गया, एक एरर और आ गई, ठीक है, तो क्या होगा? ठीक है, ये एरर आ चुकी है, ये भी एरर आ गई, ये एरर आ गई। अब क्या है, अब देखिए, अब ये कहेगा एरर है बिकॉज नाउ हेयर नंबर ऑफ वंस आर ओड, नंबर ऑफ वंस अब ओड हो गए, अब ये कहेगा एरर है, रिसीवर बोलेगा एरर है। क्यों है एरर? क्योंकि नंबर ऑफ वंस इवन चाहिए थे एज पर रूल और ऑड मिले हैं नंबर ऑफ वंस, तो इसका मतलब एरर आ गई। तो क्या हुआ, वीआरसी की लिमिटेशन क्या हो गई कि नंबर ऑफ वंस यदि इवन सॉरी सिंगल बिट एरर आ गई तो डिटेक्ट कर ही लेगा, फिर तो कोई डाउट ही नहीं है। मल्टीपल एरर आ गई, मल्टीपल बिट एरर के अंदर यदि इवन नंबर ऑफ एरर्स है, दो एरर आ गई, चार एरर आ गई, छह एरर आ गई, आठ एरर आ गई, तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ऑड नंबर ऑफ एरर्स आ गई, वन एरर आ गई, थ्री आ गई, फाइव आ गई, सेवन आ गई, तो डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये इसकी परफॉर्मेंस है। इट कैन डिटेक्ट सिंगल बिट एरर, इट कैन डिटेक्ट ब्रस्ट एरर्स ओनली इफ द टोटल नंबर ऑफ एरर्स इज ऑड, ऑड एरर है तो। ये इसकी लिमिटेशन है। एग्जांपल दिया है, यदि आपका डेटा लेंथ उसकी ज़्यादा है, जैसे मैंने वो वर्ल्ड एक वर्ड लिया, वर्ल्ड वर्ल्ड का ए एस सी आई आई कोड लिख लिया मैंने, W का ये है, O का ये है, R का ये है, L का ये है और D का ये है, ये हमने सेंड किया। जब हम ये सेंड करेंगे तो हर एक के लिए हम यहाँ देखिए 6 है, मैं इवन पैरिटी का कंसेप्ट यूज़ करता, इवन पैरिटी का, तो यहाँ 6 जो चाहिए, ऑड चाहिए, ऑड है तो 0 लगा दी, ऑड सॉरी इवन चाहिए, इवन चाहिए और इवन है तो 0 लगा दी, यहाँ भी इवन चाहिए और इवन है तो 0 लगा दी, यहाँ हमें इवन चाहिए, इवन मतलब मैं इनकी बात कर रहा हूँ, नंबर वंस की बात कर रहा हूँ, मैं टोटल नंबर्स की बात नहीं कर रहा, इनकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ क्या है, 4, तो यहाँ भी मैंने 0 लगा दी, यहाँ कितने हैं 4, तो मैंने 0 लगा दी, यहाँ कितने हैं 3, तो मैंने 1 लगा दिया, इवन चाहिए था इवन नहीं मिला तो मैंने 1 लगा दिया, बाकी सब के अंदर इवन चाहिए था इवन मिल रहा है तो मैंने 0 लगा दी। ये मैंने पैरिटी, ये है ट्रांसमिशन एंड के ऊपर काम, ये जो सारा काम हो रहा है ये सारा ट्रांसमिटिंग एंड के ऊपर या सेंडर के ऊपर हो रहा है ये सारा काम। यहाँ पैरिटी बिट जनरेट हुई है, यहाँ पैरिटी बिट जनरेट हुई है, तो ये क्या है अब रिसीविंग एंड के ऊपर, रिसीविंग एंड के ऊपर जब हम जाएंगे तो रिसीविंग एंड के अंदर यहाँ देखिए जो डाटा आया है वो एज सच रिसीव हो गया विद को, अब डाटा नहीं कहूँगा मैं इसे कोड कहूँगा, ये कोड एज सच रिसीव हो गया। देखिए पहले डाटा होता है, डाटा के साथ जो रिडंडेंसी मिलती है तो उसके बाद कोड बन जाता है, तो कोड यहाँ रिसीव हो गया एज सच, सब देखा, सभी के अंदर इवन नंबर्स हैं तो इसका मतलब कोई एरर नहीं आई। यदि इसके अंदर यहाँ कोई ऑड नंबर मिलता तो एरर आ जाती, इट मींस यहाँ देखिए आप, इसमें कोई एरर नहीं थी, ठीक है, यहाँ देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ वन 7 है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वन 6 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है और इसमें 4 है, तो इट मींस इसके अंदर और इसके अंदर एरर आ गई, इन दो में एरर आ गई, ठीक है। रिसीविंग एंड के ऊपर यहाँ एरर आ चुकी, वो इनको डिस्कार्ड कर देगा, डिस्कार्ड करके उसको बोलेगा दोबारा भेजो, ठीक है। जो स्ट्रीम कभी स्ट्रीम की बिट स्ट्रीम यदि लंबी हो, जैसे यहाँ था बिट स्ट्रीम काफ़ी लंबी थी, तो उसके ब्लॉक्स बना लेते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स, 8 बिट का एक ब्लॉक बना लिया, 8 बिट का एक ब्लॉक, फिर एक ब्लॉक, फिर एक ब्लॉक, फिर एक ब्लॉक, ये सारे ब्लॉक बना के इंडिविजुअली इनके अंदर
वीआरसी अप्लाई करते हैं, वीआरसी के रूल्स के अकॉर्डिंग सभी के अंदर अलग से आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका जो बिट है वो क्या होगा, जो रिडंडेंट बिट क्या होगा। उसके बाद इसको इकट्ठा सेंड करते हैं, इकट्ठा सेंड करने के बाद यहाँ रिसीविंग एंड पे चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं आया। कोई एरर नहीं आया तो ठीक है, कोई एरर आ गया तो यहाँ से पता लगेगा। तो एरर आ गया तो उसको रीट्रांसमिशन के लिए कहते हैं, या फिर हम एरर करेक्शन कोड्स की जब बात करेंगे तो मैं बताऊँगा कि क्या कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, ये वीआरसी तक का हमने कर लिया। उसके बाद हम एलआरसी, सीआरसी और चेकसम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।